नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूं। द कश्मीर फाइल्स, जो कि एक बहुत ही उम्दा फिल्म है, वो उम्दा फिल्म इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई पर बेस की गई है। आज तक बॉलीवुड में किसी का दम नहीं हुआ है कि इन सच्चाइयों को सामने लाया जाए, जबकि खुद मतलब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये स्टेप उठाया है। ये माध्यम, ये जो फिल्म का माध्यम है, उस माध्यम से हमें रूबरू करवाया है उस सच्चाई को, जो बहुत पहले 32 साल पुरानी जो सच्चाई है उसे हमसे रूबरू कराया है। और इस इंसान को आरोपी दर्शा रहे हैं केरला के एक संस्थान, और ये संस्थान बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि ये संस्थान इंडिपेंडेंस के जमाने से चलती आई है, और इनका दावा है कि वो सच बोलती है, सच के साथ रहती है। तो इनकी एक रिपोर्टर, यानी कि केरला की संस्थान जिनका नाम है मातृभूमि, यस यू आर हियरिंग इट वेरी करेक्टली, मातृभूमि नाम से केरला की ये संस्थान जाती है इंटरव्यू करने विवेक रंजन अग्निहोत्री का। और इस इंटरव्यू के दौरान पहले एक दो प्रश्न के बाद ही तुरंत से आरोप लगाती है ये पत्रकार, या इसे क्या कहते हैं जर्नलिस्ट, या इसे क्या कहते हैं, अब जो भी कहते हैं ये इंसान को, मैं इसीलिए नाम नहीं देना चाह रही हूँ जर्नलिस्ट, पत्रकार या कुछ भी, क्योंकि ये मेरे सामने, और जब आप जान लोगे आपके सामने भी शून्य कहलाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं कहा जाएगा। इस लड़की ने, इस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू के दौरान विवेक रंजन अग्निहोत्री को ये कहा कि आप अपनी फिल्म के दावे करके और अपनी फिल्म के माध्यम से गड़े मुर्दे उठा रहे हैं, उन्होंने ये कहा। तो क्या अपनी भारत की सच्चाई दिखाना गड़े मुर्दे हैं? तब तो फिर जो इंडिपेंडेंस की स्टोरीज बनती है, जब हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस कैसे मिला, किसने हमारे देश के लिए लड़ा, किसने हमारे देश के लिए जान दी, ऐसी मूवीज भी गड़े मुर्दे ही हो रही होगी। इस केरला की संस्थान मातृभूमि का सिर फर गया है क्या? ऐसी इलिटरेट, ऐसी अनएजुकेटेड लड़की को विवेक रंजन जी का इंटरव्यू लेने भेजते हैं और ये इतनी बकवास करती है। इस पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंगली विवेक रंजन ने पहला क्वेश्चन उनसे पूछा, क्या आपने मेरी ये मूवी देखी है? इस पे उस लड़की ने कहा नहीं। सोचिए, मातृभूमि केरला की ये संस्थान जो बहुत ही पुरानी है, उसकी ये जो लड़की इंटरव्यू लेने आती है कश्मीर फाइल्स के ऊपर, उसने कश्मीर फाइल्स ही नहीं देखी है, और ये दावा करती है, ये आरोप करती है कि विवेक रंजन ने अपनी मूवी के माध्यम से गड़े मुर्दे उठाए हैं। आपको किसी ने पैसे खिलाए थे, या आपका सर फिर गया है, या आप काके के पागल खाने से आए हो, क्या हुआ? लेट अस नो। आपको तो जूते मार करके भगाना चाहिए, आपकी लाइसेंस हटा देनी चाहिए। ऐसे बेतुके क्वेश्चन करने पर आपकी लाइसेंस हटा देनी चाहिए। विवेक रंजन का दूसरा क्वेश्चन था, क्या आपको पता है कि उस समय क्या संविधान था, क्या पॉलिटिक्स थी, क्या पॉलिटिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे? क्या आपको पता है कि इस मूवी के माध्यम से मैं ये दिखा रहा हूं कि कश्मीर पंडित्स के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या अन्याय हुआ, कश्मीर में कितने हादसे हुए, कितने घर, कितने माँ बाप, कितने बच्चे अनाथ हो गए, तो कोई बच्चा अपना बेटा खो देता है, कोई अपनी बहु बेटी खो देता है। मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे क्वेश्चन को सुनकर मुझे दिक्कत हो रही है। ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है अभी। और पता है आपको कि इस संस्थान ने ये चीज काट दी थी, ये इंटरव्यू लाइन काट दी थी, लेकिन थैंक गॉड टू विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने पूरी तरह से सच्चाई पेश करी कि उनको क्या क्या सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया। अब
मामला ये हो गया है कि केरला के सिटीजन्स हो या केरला के कोई भी पॉलिटिशियंस हो या केरला की कोई भी संस्थान हो या मीडिया हो, वो सब माफी मांग रहे हैं विवेक रंजन जी से इतने बेतुके क्वेश्चन के लिए, इतने अनग्रेटफुल होने के लिए उनके द्वारा। विवेक रंजन जी ने माफी तो दे दी, लेकिन यहां और यहां वो चीज गढ़ रही होगी उन्हें। जिस इंसान ने अपनी फिल्म के माध्यम से सच्चाई दिखाई है, उस इंसान को पूछा जाता है, उसे आरोप दिया जाता है कि तुम अपनी फिल्म के माध्यम से पैसे कमा रहे हो और गड़े मुर्दे उठा रहे हो। मैडम, यू शुड बी इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड सेड टू बी गेट आउट। आई प्ली, आई प्लेज, आई रिक्वेस्ट टू द मीडिया हाउस मातृभूमि टू गेट हर ऑफ, टू गेट हर ऑफ। ऐसे ऐसे मीडिया वाले हैं, पता है, इसीलिए सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो काम मीडिया को करनी चाहिए, सच्चाई दर्शानी चाहिए मीडिया को, वो मीडिया बिक चुकी है। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो जाने के बाद क्या क्या होता है, क्या हुआ है, ये मीडिया को सबूत के तौर पर हमारे सामने रखना चाहिए, बट हमें नहीं पता। हम बस यही कह पाते हैं, वी लव यू सुशांत, वी लव यू शुक्ला, वी लव यू सुशांत, वी वांट जस्टिस। बट आखिरकार ये जो मीडिया होती है वो बिक जाती है गवर्नमेंट पुलिस वालों के पास से और सारी सच्चाई खा जाती है। ये मीडिया ही है। शेम ऑन यू मीडिया, शेम ऑन यू। एंड उसके बाद हम आते हैं, हम यूट्यूबर्स, हम सोशल मीडिया जो एंटी मीडिया पीपल है, एंटी करप्शन है, वो लोग सामने आते हैं और आपसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपको असलियत का पूरा आईना दिखाएं, वो भी विदाउट एनी कट्स। मेरी वीडियोस में तो कोई कट्स ही नहीं होते हैं, मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे में कोई कट्स नहीं होते, मुझे कट करना आता भी नहीं है, थैंक गॉड, मुझे एडिटिंग करना नहीं आता। एनीवेज, दूसरी आपको और एक शॉकिंग न्यूज बताती हूँ। शाहरुख खान जो बहुत सारे करोड़ों, अब जो बिलियन मिलियन कमा चुके हैं हमारी वजह से, क्योंकि हम लाइन में खड़े रहकर धक्कम धुक्की सहकर उनकी टिकट्स खरीदते हैं, उनको देखते हैं, उन लोगों को हिट बनाते हैं और उन लोगों को बादशाह बनाते हैं। उस बादशाह ने पैसे तो इंडिया में कमाए, लेकिन लॉस एंजलिस में, ग्रेटर लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में, वो एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का मतलब निर्माण करने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना रहे हैं। उनका मानना यह है कि क्रिकेट अब वहां पे भी शुरू होना चाहिए और ये चीज का फर्स्ट ओपनिंग शाहरुख खान की तरफ से होना चाहिए। तो शाहरुख खान वर्ल्ड क्लास स्टेडियम लॉस एंजलिस में बना रहे हैं और वो भी हमारे पैसों से, हमारी मेहनत के पैसों से, हमने जो उनको प्यार दिया, हमने जो उनको सम्मान दिया, वो पैसे इकट्ठा करके वो जाते हैं अमेरिका और वहां पर अपने पैसे लगाकर स्टेडियम करते हैं। इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, उन्होंने अपने पैसे डाले अमेरिका में। कैसा लग रहा है आपको ये सब सुनकर, कश्मीर फाइल्स के ऊपर और ये स्टेडियम के ऊपर, मुझे कमेंट पे जरूर लिख के बताइएगा, मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आप तक मेरी ये दिल की बातें दिल तक जाती है या नहीं। मेरा आक्रोश आपको शायद समझ में आ रहा हो, मैं सांस तक नहीं ले पाती जब मैं ऐसी बातें करती हूँ, मुझे यहाँ लगता है स्ट्रेस होता है। ये वही इंडिया है, ये वही मीडिया है, ये वही लोग हैं जिनको हमने बहुत प्यार दिया और इन लोगों ने हमारे प्यार का ये दुष्कर्मी से बयान दिया। क्या कहना चाहते हैं आप हमें जरूर कमेंट पे बताइए। सुशांत का समय 2 साल पूरा होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। इतना पता चला है कि सीबीआई की टीम ने नारायण राणे और उनके बेटे को, नितेश राणे को बुलाया, उनसे पूछताछ करी है
और जहां तक बात पता चली है, नारायण राणे बहुत जल्द, एज इफ वो हमेशा कहते हैं, बट उन्होंने वापस कहा है कि इस 2 साल पूरे होने के अंदर अंदर ही वो सारे सबूत पेश करेंगे। सीबीआई अगर उनका साथ नहीं देती है तो वो खुद सारे सबूत पेश करेंगे। उन्होंने ये तक कहा कि उस कुत्ते उद्धव ठाकरे ने उनको फोन करवाया है और कहा है कि ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए कि दिशा सलियान के मर्डर के टाइम में एक मिनिस्टर की गाड़ी बाहर थी, एक मिनिस्टर का बेटा वहां था। ये सारी बातें आप लोगों के मुंह से नहीं आनी चाहिए, ये कहलवाया है। अब इतने समय से नीतीश राणे और नारायण राणे बार बार ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि अगर ये सच नहीं कहते होते तो शायद 1-2 महीने में ही रुक जाते, लेकिन अभी भी वो लोग एक ही बात हर बार कह रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा मीडिया में, हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है, उन्होंने ये तक कहा कि काफी चीजें वो पहले दिनों से बोल रहे हैं, बट मुंबई पुलिस अपनी FIR में इसे दर्ज भी नहीं कर रही है। बार बार कहने के बावजूद इसे दर्ज भी नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस, तुम कहीं भी हो, जहां पे भी हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप हम जनता से बचोगे नहीं। जब आप लोगों का मुखौटा खुलेगा ना, आप लोग अपना मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहोगे, मरोगे आप लोग, बहुत बुरी मौत मरोगे। जितनी बुरी मौत आपने हमारे भाई सुशांत को दी है ना, उससे 1000 गुना मौत गंदी पाओगे आप लोग। ये मेरा दावा है। और अगर मेरी मौत आने वाली हो ना, तो ये मेरी अंतिम इच्छा है। दूसरी बात, कंगना रनावत जो लॉकअप खेल रही है, जो ऐसे लोगों के साथ लॉकअप खेल रही है जिनको हम बॉयकॉट कर चुके हैं, यानी कि एकता कपूर की लॉकअप में मजे उड़ा रही है। लास्ट वीक चल रहा है, अब कंट्रोवर्सी तो क्वीन है वो, हिंदी विवादों के चक्कर में जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उस पर कैसे नहीं बोलेगी ये। लेकिन उसने कब बोला, उसने अपनी फिल्म धाकड़ को प्रमोशन करने के लिए जब वो आती है, तब वो मैडम बोल रही है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, हिंदी से पहले आती है संस्कृत होनी चाहिए राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आपको बता दूं मिस कंगना, वैसे भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए हम राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो समझने में, बोलने में, जहां पे भी हम जाते हैं हिंदी अगर यूज करते हैं तो हमें समझ लिया जाता है कि हम इंडियंस हैं, हमें बहुत इजीली लोग समझ पाते हैं हिंदी के माध्यम से, बल्कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन अगर वोट मिलना चाहिए तो हिंदी को ही मिलना चाहिए, हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, संस्कृत कैसे हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। मानती हूं सालों पहले संस्कृत ही आई थी, लेकिन क्या आप संस्कृत में किसी से बात कर सकते हैं? क्या सबको संस्कृत आती है? मुझे नहीं आती। एक गाना था ना, यार मेरे यारा मेरे यारम, उसमें भी थोड़ी सी संस्कृत आती है। बस भैया, पढ़ने में संस्कृत होती है, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, क्या आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो? नहीं। हिंदी ऐसी भाषा है जो कोई भी समझ सकता है। तो कंगना, प्लीज ब्रश अप योर नॉलेज, लॉकअप में लॉक हो गई है तुम्हारी नॉलेज, उसे बाहर निकालो। धाकड़ धाकड़ करके अपना प्रमोशन करना बंद करो, प्रमोशन के माध्यम से हिंदी विवाद में आना बंद करो। होगी तुम कंट्रोवर्सी की क्वीन, हर बार नहीं, मेरे सामने तुम उतर चुकी हो जब से तुम एकता कपूर के साथ हो, मैं अब तुम्हें नहीं जानती,
मेरे लिए तुम भी उन्हीं नेपोटिज्म में उसी बॉलीवुड के वासियों में आती हो। तुम खुद को पहाड़ी कहो या जो कहो, तुम बॉलीवुड में ही आती हो, क्योंकि बॉलीवुड की आदत है फिसलना, पलटना, धोखा देना, और तुम भी वही करती हो करना। एनीवेज, अगर आप साथ देना चाहे मुझे तो दे सकते हैं, आगे कोई भी सच्ची घटना, सच्ची अपडेट होगी आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगी। आपका साथ मुझे सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक अनलाइक जो भी आपको चाहिए करके मुझे जरूर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैं लड़ती रहूंगी अपने भाई के लिए। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।